नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। दोस्तों, RRC ग्रुप डी भर्ती 2019 की रिगार्डिंग बड़ी अपडेट आ चुकी है। दोस्तों, फाइनली एक और RRC जोन की तरफ से आप लोगों का इंतजार समाप्त हो गया है। RRC साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली जोन की तरफ से प्रोविजनल पार्ट पैनल 2 यहाँ से जारी करा दिया गया है और यहाँ पर बहुत बड़ी पैनल लिस्ट जारी किया गया है। 5152 कैंडिडेट का यहाँ पर पैनल लिस्ट जारी कराया गया है। इसके साथ पोस्ट का अलाटमेंट और डिवीजन का अलाटमेंट भी यहाँ से जारी करा दिया गया है। जो RRC SWR हुबली जोन, जो CCA PWD एक्स सर्विसमैन और ओपन कैंडिडेट को मिलाकर यहाँ पर बड़ा पैनल लिस्ट जारी कराया गया है, तो इसी के बारे में पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। अगर आप अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों। इसके लिए आपको RRC जो हुबली जोन की ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको उस पर लेके चलते हैं। ये रही आपकी RRC साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली जोन की ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे आप नीचे इसको स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको यहाँ पर ही नोटिस देखने को मिल जाएगा, जो नोटिस करके आपको यहाँ पर न्यू करके दिया गया है। क्लिक हेयर वी हेयर टू द वी प्रोविजनल पार्ट पैनल 2 अग्नेश या नंबर RRC 01/2019 एंड 7 CPC पे मैट्रिक्स। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोविजनल पार्ट पैनल 2 यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। ये रही आपकी प्रोविजनल पार्ट पैनल 2, यहाँ पर साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली जोन की तरफ से ये जारी किया गया है। 2/5/2023 के डेट में आपकी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपके यहाँ पर प्रोविजनल पार्ट पैनल 2 अग्नेश सी नंबर RRC 01/2019 पार द लेवल 1 7 CPC पे मैट्रिक्स। जैसे आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको देखेंगे तो आपको यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो यहाँ पर मेंशन किया गया है, बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड CVT कंडक्टेड ड्यूरिंग द प्रीपेड फ्रॉम 17/8/2022 टू 11/10/2022 बाई रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एंड फिजिकल इफेंसिव टेस्ट PET 31/1/2023 से 6/2023 फॉर नॉन PWD कैंडिडेट फॉलो द DV एंड मेडिकल कंडक्टेड फ्रॉम द 20/2/2023 से 9/3/2023 तक रेलवे रिक्रूटमेंट सेल हुबली प्रोविजनल पार्ट पैनल 2 ऑफ द 5152 कैंडिडेट इन द लेवल 1 पोस्ट 7 CPC में पे मैट्रिक्स साउथ वेस्टर्न रेलवे रेल एंड रेल व्हील फैक्ट्री एलंका अग्नेश सिया नंबर RRC 01/2019 फिनिश एज अंडर। यहाँ पर दिया गया है कि आपकी जो भी आपकी वो पूरा बताया गया कि आपकी इतने से इतने तक आपकी CVT एग्जाम चला था, इतने से इतने तक आपकी जो कि आपकी PET चली थी, उसके बाद आपकी जो यहाँ पर DV चले थे इतने से इतने तक, उसके बाद आपके बाद फाइनली आपका प्रोविजनल पार्ट पैनल 2 अब जारी कर दिया गया है 5152 कैंडिडेट का। जो आगे यहाँ पर रोल नंबर भी दिया गया है, जो यहाँ पर देख सकते हैं, जो यहाँ पर कैंडिडेट माई नोट द फॉलो द रीड नो अरेंजेंट पोस्ट आर नॉट अदर द मेरिट लिस्ट। यहाँ पर बताया गया जो यहाँ पर आपके रोल नंबर अरेंज किए गए हैं वो पोस्ट वाइज किए गए हैं, ना कि मेरिट वाइज किए गए हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे पहले में आपकी यहाँ पर कटकी नंबर 1 की पोस्ट है, असिस्टेंट वर्कशॉप की है, जो रेलवे फैक्ट्री में अलंका वाले में है। यहाँ पर जिनका जिनका रोल नंबर दिया गया है उनको कांग्रेस सोल्यूशन इनका फाइनल रूप से इनका सिलेक्शन हो चुका है। इसके बाद आगे यहाँ पर देखेंगे अगली टोटल यहाँ पर 125 कैंडिडेट का हुआ है। उसके बाद अगली पोस्ट जो यहाँ पर दिए गए है वो कटकी नंबर 1 की है, असिस्टेंट वर्कशॉप SWR की है। इसमें जिनका जिनका रोल नंबर दिया गया उनका फाइनल रूप से सिलेक्शन हो चुका है। टोटल कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पर आपकी 109 कैंडिडेट का हुआ है। इसके बाद कटकी नंबर 3 की है, असिस्टेंट कैरिज एंड वैगन की है, जो SWR के अंतर्गत आती है, जिनका रोल नंबर दिया गया उनका सिलेक्शन हो चुका है। इसके बाद अगली जो पोस्ट यहाँ पर दी गई है, टोटल इसमें कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, तो वो यहाँ पर 568 कैंडिडेट का हुआ है। और उसके बाद अगली पोस्ट है कटकी नंबर 17 की, जो असिस्टेंट डिपो स्टोर वाली पोस्ट है, जो रेल व्हील फैक्ट्री में अलंका वाले में, जो 14 कैंडिडेट का यहाँ पर रोल नंबर दिया गया है। इसके बाद अगली पोस्ट है यहाँ पर देख सकते हैं असिस्टेंट डिपो की स्टोर की है, SWR में कटकी नंबर की है, जिनका जिनका रोल नंबर दिया गया है उनका सिलेक्शन हो चुका है। उसके बाद टोटल 34 कैंडिडेट का है। इसके बाद कटकी नंबर 5 का है, असिस्टेंट लोको सेट डीजल, जिनका जिनका रोल नंबर यहाँ पर दिया है उनका फाइनल रूप से सिलेक्शन हो चुका है SWR में। इसके बाद टोटल बात करें तो यहाँ पर 66 कैंडिडेट का रोल नंबर दिया गया है। उसके बाद कटकी नंबर
एट में अगेंस्ट पॉइंट्समैन SWR यहाँ पर दिया गया है, जिनका जिनका रोल नंबर दिया गया उनका फाइनल रूप से सिलेक्शन हो चुका है, ये यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल बात करें तो यहाँ पर 1042 कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पर हो चुका है पॉइंट्समैन में। उसके बाद कैटेगरी नंबर 9 की पोस्ट है जिनका एक कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, जो सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन रेलवे फैक्ट्री में। उसके बाद यहाँ पर अगला पोस्ट है कैटेगरी नंबर 9 की है, असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन SWR में। यहाँ पर टोटल कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था, 147 कैंडिडेट का। उसके बाद कैटेगरी नंबर 10 की है असिस्टेंट ट्रैकमैन ट्रैक मशीन SWR जोन में, जिनका रोल नंबर दिया है उनका फाइनल रूप से सिलेक्शन हो चुका है। टोटल बात करें तो यहाँ पर 215 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। इसके बाद अगली है पोस्ट कैटेगरी नंबर 12 की है ट्रियल एंड AC वर्कशॉप रेलवे फैक्ट्री लंका वाले में है WF, जिन टोटल बात करें तो 126 कैंडिडेट का यहाँ पर ओनली हुआ है। इसके बाद अगली पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं जो कैटेगरी नंबर 12 की पोस्ट है TLNAC SWR में है, इनका रोल नंबर यहाँ पर दिया गया तो इनको अभी सिलेक्शन हो चुका है टोटल 17 कैंडिडेट का। उसके बाद कैटेगरी नंबर 13 की पोस्ट है असिस्टेंट TRD SWR में, इनका टोटल बात करें तो यहाँ पर कितने कैंडिडेट का हुआ है, 215 कैंडिडेट का। अगली पोस्ट है कैटेगरी नंबर 14 की है असिस्टेंट वर्कशॉप की है, यहाँ पर SWR में हुआ है, टोटल बात करें तो 67 कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। अगली पोस्ट जो है कैटेगरी नंबर असिस्टेंट वर्कशॉप की है RWF में है, टोटल 24 कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। अगली पोस्ट जो है वो हॉस्पिटल अटेंडेंट SWR की पोस्ट है जो यहाँ पर दिया गया है, 16 कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन हो चुका है। इसके बाद अगली पोस्ट जो है वो कैटेगरी नंबर 17 की ट्रैक मेंटेनेंस ग्रेड 4 की है RWF में, यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका सिलेक्शन हुआ है वो यहाँ पर 6 कैंडिडेट का रोल नंबर दिया गया जिनका सिलेक्शन हो चुका है। तो अगली यहाँ पर पोस्ट है कैटेगरी नंबर 17 की है ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 SWR में है, टोटल बात करें तो यहाँ पर कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ज़्यादा इन्हीं कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है ट्रैक मेंटेनर वालों को, तो 1970 कैंडिडेट का हुआ है। टोटल बात करें तो यहाँ पर 5152 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं प्रोविजन यहाँ पर बताया गया है कि जो दिस पार्ट पैनल इज प्योरली प्रोविजनल एंड डज नॉट कंफर्म अपॉन द कैंडिडेट राइट टू द अपॉइंटमेंट इफ रेलवे, यहाँ पर बताया गया कि आप ये जो पैनल लिस्ट आपकी जारी की गई है प्रोविजनल है, ये रेलवे कभी भी इसको किसी भी प्रकार की इनमें संशोधन या किसी भी प्रकार की इसमें वो कर सकती है, अगर किसी की कैंडिडेचर कभी भी टर्मिनेट कर सकती है अगर किसी स्टेज पर उसको गड़बड़ी पाई जाती है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे दूसरे में इन्होंने बताया है ऑफर अपॉइंटमेंट विल बी सेंड द सेपरेट विल बी रिस्पेक्ट टू डिवीजन एंड यूनिट्स के द्वारा, जो आपके द कैंडिडेट आर अलॉटेड बाई प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर हुबली, यानी आपकी जो भी आपकी अलाटमेंट होगी वो डिवीजन के द्वारा अलग अलग डिवीजन से सेपरेट होगी, जो यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद आपको तीसरे नंबर बताया ए ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट विल बी चेकड अगेंस्ट बाई रेलवे एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्ट बिफोर अपॉइंटमेंट कैंडिडेट, यानी यहाँ पर बताया गया कि आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद जो रेलवे के एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्ट है उसके बाद ही आपकी अपॉइंटमेंट दी जाएगी। उसका फोन नंबर में बताया गया द रिमेनिंग वैकेंसीज विल बी फिल आफ्टर द रिसीविंग मेडिकल फिटनेस, कैंडिडेट विल बी कॉलिंग एडिशनल कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टू बी फिल वैकेंसी अरेंजिंग आउट ऑफ अब्सेंट एंड रिजेक्ट, यानी जो भी कैंडिडेट यहाँ पर वैकेंसी बताया गया कि वैकेंसी की रिमेनिंग रहेगी तभी आपकी मेडिकल फिटनेस के आधार पर आपको कॉल किया गया वैकेंसी उस प्लस आपकी मेडिकल फिटनेस के आधार पर आपको कॉल किया गया। इसके बाद यहाँ पर देख सकते 5 नंबर बताया गया कि यहाँ पर कोई भी अगर पार्ट पैनल में गड़बड़ी होती है तो वो RRC के पास सुधारने का अधिकार है, जो यहाँ पर बताया गया है प्रोविजनल पार्ट पैनल में। ये रही पूरी डिटेल। और यहाँ पर बात करते हैं इसके पहले यहाँ पर जो भी यहाँ पर जारी किया गया है पार्ट पैनल 1 इसके पहले जारी किया गया था, इसको बाद पार्ट पैनल 2 यहाँ पर जारी किया गया, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन रही। अगर फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो बेशक कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, टोटली आपकी हेल्प एंड रिप्लाई कीजिएगा। धन्यवाद।
कीप एंड टच, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सभी को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम पर भी इसको डाल दिया हूँ, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।